नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका यह सेशन ले रही हूँ। तो जैसा आप लोग जानते हैं, आजकल हम लोग बात कर रहे हैं वस्तुओं के समूह बनाना, कैसे हम वस्तुओं का समूह बना सकते हैं और एक हम आधार लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये जो वस्तुओं के समूह बनाते हैं। और ये हम लोगों ने समझ लिया है कि क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ये जो वस्तु होती है तो हमें ये देखना होता है कि वो हमारा क्या, उससे हमें काम है, हम उसको किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या में। फिर ये जो वस्तुएं होती हैं ये किन पदार्थों से बनती हैं, उनके अगर हमें गुण मालूम हो और हमें क्या चाहिए, अगर हम कहीं हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जरूरत क्या है, तो वो देख कर तब हम वो कोई वस्तु बनाते हैं जब हमें वैसा कोई पदार्थ मिलता है। जैसे हमने देखा था इससे पहले एक सेशन में कि हम ग्लास चाहिए, ग्लास का हम एक कपड़े से ग्लास नहीं बना सकते, क्योंकि ग्लास में हमें द्रव्य रखना है और द्रव्य एक कपड़ा नहीं रोक सकता है, उसमें से निकल जाएगा। इसलिए जो ग्लास है वो हम स्टील का लेते हैं या कांच का लेते हैं, इस टाइप से हम, क्योंकि ये जो स्टील है या कांच है ये द्रव को रोक कर रखता है, उसको अपने अंदर से बहने नहीं देता। तो इस प्रकार हमारे आसपास कितनी वस्तुएं हैं और उन सबको किसी ना किसी हम पदार्थ से बना रखी हैं, तो वो जब हमारा एक मैच होता है तब हम उन वस्तुओं को बनाते हैं। इसलिए हमें जो हमारे पास पदार्थ हैं उन्हें हम जब एक समझ लेते हैं उनकी क्वालिटीज, वो क्या कर सकते हैं, कैसा उनका एक ठोस है, कैसे हैं, ये सब जान लेते हैं, तब हमारा काम आसान हो जाता है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है दिखावट के ऊपर, पदार्थों के गुण का देखा है कि जो पदार्थ में हमें क्या होता है, चमक दिखाई देती है, द्वितीय दिखाई देती है, और उससे हमें पता चलता है कि ये पदार्थ कैसे हैं, ये हमारे धातु में आ रहे हैं, किस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं। उसके बाद हमने कठोरता के बारे में देखा था कि हमने ये देखा था कि जो चीज हम दबा सकते हैं है ना, वो हमने रखे थे कोमल, और जो चीज हम नहीं दबा सकते वो आ गए थे कठोर में। तो हमने उसमें भी दो कैटेगरी देखी थी, जैसे दिखावट में हमने देखा था किस में चमक है किस में चमक नहीं है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है कि जो पदार्थ है वो विलय उसका एक गुण है या अविलय गुण है। तो ये विलय और अविलय ये क्या होता है, इसको आज हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए अपनी बुक खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो आप लोगों के सामने ये आ गया विलय और अविलय के बारे में बताने का। तो विलय और अविलय को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एक क्रियाकलाप करते हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो विज्ञान है, साइंस है, ये हम अगर देखें तो हम अपने घर में ही कितनी चीजें एक उसका क्रिया करके, उसका एक एक्सपेरिमेंट करके हम समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, आप कोशिश करिएगा ये चीज घर पर करें, कोई बाहर से सामान नहीं लाना है, ये सब घर में आपके होता है और आप एक बार करके देखिएगा। मैं अभी जैसा बता रही हूँ उसको समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ी सी चीजें लेते हैं, जैसे हमने लिया चीनी, ठीक है, नमक लिया, चौक पाउडर लिया, ये रेत या बालू या जो आपका लकड़ी का बुरादा होता है, इसमें से आपके पास जो जो चीजें हैं आप वो ले सकते हैं। अब आप इनको क्या करें, इनको या तो आप अलग अलग पांच ग्लासेस ले लीजिए, या एक ही ग्लास में एक एक बार करके देख लीजिए, पांच घर में तो होते हैं ग्लास, उससे भी आप कर सकते हैं, कटोरी ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। अब आप क्या करिए, एक में चीनी मिलाइए, एक में नमक, एक में चौक पाउडर, एक में बालू और एक में लकड़ी का बुरादा, और फिर देखिए उसको थोड़े समय रखिए और देखिए क्या होता है। क्या सोचते हैं क्या होगा, चीनी जब आप पानी में डालेंगे क्या होगा,
दिखाई देगी थोड़े टाइम बाद, नहीं दिखाई देगी। नमक दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। चॉक पाउडर पता चलेगा पानी में कुछ मिलाया है, हाँ कुछ आपको लगेगा पानी में कुछ सफेद सफेद, या अगर आपने रंगीन चौक लग डाली है तो आपको रंगीन पानी दिखाई देने लग जाएगा, है ना। और कुछ आपको लगेगा इसमें कुछ है, पानी ऐसा नहीं है, पानी खाली पानी है, इसमें लगेगा कुछ है। फिर बालू और या रेत या लकड़ी के बुरादे के साथ भी क्या होगा, उसमें भी आपको कुछ लकड़ी का बुरादा एकदम साफ दिखाई देगा कि इसमें लकड़ी के कुछ पीसेस पड़े हैं, और बालू या रेत भी आपको समझ में दिखाई देगी। तो ये सब जो आप कर रहे हैं तो इनको आप एक अपना लिस्ट, अपना एक टेबल बनाएं और उसमें लिखें कि ये हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, उसको आप नोट करिए। अब क्या होता है, ये जो आप नोट करेंगे, ये टेबल है, इसमें आप नोट करेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब आपने नमक डाला थोड़े समय बाद वो जल में लुप्त हो गया या लुप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे आप नमक आप थोड़े टाइम बाद नहीं दिखाई देगा तो आप लिखेंगे जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी का क्या लिखेंगे, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। तो ये मैंने आपके लिए नोट भी करा हुआ है, मैं स्लाइड में दिखाती हूँ तो आपको उसको देखकर और समझ में आएगा कैसे आप कर सकते हैं। और आप ये भी काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपको मालूम है कि जल में डालने पर इन चीजों का क्या होगा, आप लिखेंगे लुप्त हो जाता है या लुप्त नहीं होता, तो पॉज करिए, पहले आप ये फिल कर लीजिए, फिर मैं जो दिखा रही हूँ उससे चेक करिए क्या जो आप सोच रहे थे ठीक है। चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। सो बच्चों, ये आपके सामने ये जो टेबल थी उसके सारे ये मैंने उत्तर लिखे हुए, अगर आपने लिख लिया है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर ठीक है। ठीक है ना, मुझे पूरी उम्मीद है आपने बिल्कुल ठीक सोचा होगा कि नमक पूरा जल में लुप्त हो जाता है, चीनी भी पूरी लुप्त हो जाती है, बालू जल में लुप्त नहीं होता है, चौक पाउडर नहीं लुप्त होता है, और लकड़ी का बुरादा ये भी लुप्त नहीं होता है। तो आप अगर आपने लिख लिया है वेरी गुड, अगर आपको कुछ कहीं कुछ परेशानी है तो यहाँ पॉज करके आप इसका नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे चल रही हूँ। तो अब हम फिर से अपना चैप्टर देखते हैं और इसमें देखते हैं और क्या अब हमें समझना है। तो बच्चों, अब हम लोगों ने ये देखा कि जो पदार्थ जो हमने जल में डाले थे वो अगर पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, ठीक है, तो पूर्णतः लुप्त होने का अर्थ क्या हुआ कि वो घुल गए हैं, या हम इसको बोल सकते हैं वो विलीन हो गए हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं वो पदार्थ जल में विलय है। समझ में आ गया, तो जो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते जैसे चीनी और नमक, ये हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल उसमें पानी में विलीन हो गए हैं, इनको कहते हैं हम विलय। और जो अन्य पदार्थ हैं और जो पूरी तरीके से विलुप्त नहीं हुए, वो पूरी तरीके से जल में नहीं घुले, उनको हम कहते हैं अविलय। तो आपको ये दो नए शब्द मिल रहे हैं, विलय और अविलय। समझ में आ गया। और इसलिए क्या होता है कि अब इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो जल में विलय हो जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में भी जल की एक बहुत बड़ी एक महत्ता है, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये क्या है, ये हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और वो भूमिका इसलिए है कि जल हम जो खाते हैं वो काफी चीजें हमारा उसको एक एब्जॉर्ब करने में, उसको अपने अंदर लेने में एक हमें हमारे जो शरीर है उसको एक बहुत सहायता मिलती है। तो इसलिए हमें जब भी हम जैसे अपने
खाने की बात करते हो, जब मैंने आहार से रिलेटेड आपको आपका टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी ये कहा था कि जल भी, सारे खाद्य पदार्थों के साथ जल भी हमारे शरीर के लिए एक बहुत आवश्यक चीज है। ठीक है, अब हमने, चलिए आगे चलते हैं और ये हम देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि कोई जो हमने ठोस पदार्थ लिए थे वो जल में विलय थे और अविलय थे। ठोस पदार्थ जैसे हमने चीनी की बात करी थी, हमने रेत की बात करी थी, तो ये सारा क्या था, एक ठोस था और जल ये द्रव्य था। अब प्रश्न ये आता है क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं, और जितने द्रव हैं क्या वो सब भी विलीन हो जाते हैं, ये एक प्रश्न है हमारे लिए, है या नहीं है। तो चलिए इसको अब हम समझते हैं कि जो और द्रव्य हैं उनका जब जल में मिलाते हैं उनका क्या असर होता है। तो सबसे पहले अब देखिए इसमें हम लेते हैं सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, या आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, मिट्टी का तेल या कोई और द्रव। ठीक है, ये आप इकट्ठा करिए। अब आप फिर से आप ग्लास लीजिए, कांच का ग्लास लीजिए। कांच के ग्लास में क्या होता है, हमें सारा आर पार दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें आप डालिए, आप सिरका डालिए, क्या होगा, लग रहा है ना, मिल जाएगा। चलिए ऐसे ही नींबू का रस पानी में डालते हैं, शिकंजी बनाते हैं, है या नहीं है। और तेल भी डाल के देखिए, तो ये जितनी चीजें आप सब डाल कर देखिए। और इसके बाद ये जो आपकी टेबल है कि ये जो द्रव हैं ये भली भांति मिश्रित हो जाते हैं या मिश्रित नहीं होते हैं, इनके बारे में आप करके देखिएगा। क्योंकि ये सब चीजें आपके घर में हैं इसलिए मैं कह रही हूं इनको आप पहले जब खुद करेंगे ना आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो सिरका ये भली भांति मिश्रित हो जाता है, बाकी चीजें, चलिए आप इसका उत्तर सोचिए, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ इन सबका क्या एक सही उत्तर रहेगा। तो एक बार सोचिए और फिर आप मेरे स्लाइड से इस आंसर को चेक कर सकते हैं। तो पॉज करिए वीडियो को, आंसर लिखिए और फिर से वीडियो स्टार्ट करिए। तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया, तो ये आपके सामने सबके उत्तर है, चेक कर लीजिए। सिरका भली भांति मिश्रित होता है, नींबू का रस भी भली भांति मिश्रित होता है, सरसों का तेल भली भांति मिश्रित नहीं होता है। हम कोई भी तेल अगर डालते हैं जल में तो हमें देखते हैं ऊपर उसकी एक पतली लेयर दिखाई देती है, परत दिखाई देती है। नारियल का तेल के साथ भी यही है, हम वो भली भांति मिश्रित नहीं होगा। केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये भी भली भांति मिश्रित नहीं होगा, है या नहीं है, यही उत्तर आपने लिखे। चलिए वेरी गुड, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमें और क्या इस टॉपिक में समझना है। तो बच्चों आप लोगों को अब देखिए यहाँ पे हमने अभी देखा ठोस, जल, दूसरे द्रव, जल। अब एक प्रश्न आ रहा है क्या गैस जो होती है, हमने देखा एक तो ठोस होती है चीजें, द्रव होती हैं और गैस रूप में होती हैं, जितनी हमारी ऑक्सीजन और सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो गैसें होती हैं क्या ये जल में विलय हैं, ये एक प्रश्न आता है। और कुछ जो है वो नहीं है, तो ये अब हमें ये समझना है, अगर हम ये कह रहे हैं कुछ गैस जल में विलय हैं तो इनको कैसे समझें, इसका क्या हम एक ठोस प्रमाण दे सकते हैं कि वो गैस जल में विलय हैं। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो जल में विलय होती है। जल वो उसका क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो जल में हमारे जंतु हैं, जो जल में हमारे पेड़ पौधे, पेड़ तो नहीं है, छोटे जो पौधे हैं, जो पादप हैं, वो सबको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, क्योंकि जल में जो जंतु हैं वो भी तो ऑक्सीजन पर जीवित हैं, वो हमारे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो अब वो ये कैसे होता है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि जल में
ऑक्सीजन घुल जाती है, इसलिए जो जल में जीव जंतु हैं वो जीवित रहते हैं, क्योंकि जल से जब वो जल अपने अंदर लेते हैं उससे उनको ऑक्सीजन मिलती है। तो इसलिए जो हम आपसे कह रहे हैं कि जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों को उत्तर जीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आप मार्क कर सकते हैं अगर आप चाहें। एक बार मैं फिर से मार्क करती हूँ इसको। ये देखिए, तो ये हमारे लिए, इससे हमें पता चलता है कि कुछ गैसेस भी जल में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब हमें एक और आपका इसमें एक सुझाव ये भी है कि अभी तो हमने ये सब जो हमने द्रव्य का देखा, तो जो हमारा सिरका था और जो ये नींबू का रस था या कोई तेल था, वो हमने जल में देखा। अब अगर ये चीज हम देखें कि ये कोई और द्रव्य ले और उसमें दूसरा द्रव मिलाए, तब क्या होगा? जैसे आपने एक सरसों का तेल लिया और उसमें आपने केरोसिन डाला या उसमें आपने नींबू का रस डाला, फिर आप देखिए वो विलीन हो रहे या नहीं विलीन हो रहे, मींस विलय हैं या अविलय हैं। ये एक्सपेरिमेंट जरा घर पे करके देखिएगा और क्या उसका मिलता है मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने क्या देखा, आज हम लोगों ने ये चीज समझी कि कैसे हम एक विलय और अविलय चीजों को पहचान सकते हैं। तो बच्चों आज ये एक आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ठोस चीजों के साथ और द्रव्य चीजों के साथ देखा कि उनका एक हमें ग्रुप पता चला कि वो हम कुछ चीजों को एक विलय और अविलय की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो इस टाइप से हमें पता चल रहा है कैसे पदार्थों को हम एक उनका समूह बना सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में एक और समूह की बात करेंगे। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जितना पढ़ रहे हैं उसको समझते जाएं। कोई भी प्रश्न है, कोई चीज नहीं समझ में आई, मुझे इसको आप ऐप के थ्रू अपना एक क्वेरी भेज सकते हैं और मैं उसको उत्तर आपको देख के और समझाऊंगी। तो आप और कुछ आपको लगता है कुछ मिस हो गया, तो इस वीडियो का यही एक फायदा है कि आप फिर से वापस जाकर जो चीज समझ में आई उसको फिर से सुनिए, समझने की कोशिश करें और अपने एक जो जो पढ़ रहे उसको पक्का करते जाएं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।